हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम पूनम चौधरी एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट मेमोरी ग्लैंड्स। ओके, तो मेमोरी ग्लैंड्स आर ग्लैंडुलर ऑर्गन्स। ये ग्लैंडुलर ऑर्गन्स है बिकॉज इट एक्ट्स लाइक अ ग्लैंड। ये सिक्रीट करते हैं मिल्क को, दैट्स वाई इट इज़ नोन एज ग्लैंडुलर ऑर्गन। ये जो मेमोरी ग्लैंड होते हैं वो हर एक मैमल का पिक्यूलियर फीचर होता है। मीन्स आप मैमल को इसी से आइडेंटिफाई करते हो। जब भी हम एनिमल किंगडम को पढ़ते हैं और क्लस के क्लासिफिकेशन को पढ़ते हैं तो हर एक ऑर्गेनिज्म और हर एक जो आपका फाइलम है उसका एक पिक्यूलियर फीचर पढ़ते हैं, और उसमें जो मैमल्स होते हैं उनका पिक्यूलियर फीचर होता है मेमोरी ग्लैंड बिकॉज इट इज़ प्रेजेंट इन ऑल द मैमल्स। अब क्या होता है, ये एक मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड है। ओके, जो हमारे बॉडी के स्वेट ग्लैंड है वो मॉडिफाइड हो जाते हैं और कन्वर्ट हो जाते हैं मेमोरी ग्लैंड में। ये प्रेजेंट होता है थोरेसिक प्रोमिनेंस रीजन में। इट इज़ प्रेजेंट इन थोरेसिक प्रोमिनेंस रीजन। ओके, जो जिस रीजन में ये प्रेजेंट होता है उसको थोरेसिक रीजन बोलते हैं, एंड इट इज़ मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड। इट इज़ ऑल्सो प्रेजेंट इन द मेल। मेल में भी प्रेजेंट होता है ये मेमोरी ग्लैंड, बट क्योंकि उनमें कोई फंक्शन नहीं होता है, वो फंक्शन लेस होता है, इसलिए वो वेल डेवलप्ड नहीं होता है। ओके, अब मेमोरी ग्लैंड का फंक्शन क्या है, प्रोडक्शन ऑफ मिल्क। तो ये जो प्रोडक्शन ऑफ मिल्क है ये कंट्रोल में होता है हॉर्मोन्स के। ओके, जो पिट्यूटरी से हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं उनके अंडर कंट्रोल होता है ये। तो प्रोडक्शन ऑफ मिल्क होता है वो प्रोलैक्टिन के कंट्रोल में होता है, एंड द इजेक्शन ऑफ मिल्क मीन्स रिलीज ऑफ मिल्क इज द अंडर कंट्रोल ऑफ ऑक्सीटोसिन। ओके, दिस इज द डायग्राम ऑफ मेमोरी ग्लैंड। ये इस तरह का कुछ डायग्राम होता है, और इस स्वॉलन पार्ट में कुछ फैट के लेयर होते हैं। ये जो आपको ब्लू कलर का दिख रहा है, दिस इज द फैट लेयर। ओके, इट इज द फैट लेयर। ये फ्रंट पार्ट को हम निपल बोलते हैं, और ये फ्रंट पार्ट के पास कुछ डार्क एरिया होता है जिसे एरियोला बोला जाता है, डार्क एरिया। इस मेमोरी ग्लैंड के अंदर, क्योंकि ये मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड है, तो इसके अंदर कुछ आपके प्रेजेंट होंगे मेमोरी लोब्स। ये जो रेड कलर का आपको दिख रहा है, दिस इज़ द मेमोरी लोब। वो हर एक मेमोरी ग्लैंड में 15-20 होते हैं, अराउंड 20 ये प्रेजेंट होते हैं। अब इस मेमोरी लोब के अंदर बलून लाइक स्ट्रक्चर, जैसा आपने लंग्स में देखा होगा एल्वियोलाई, सेम उसी तरह का एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसे हम कहते हैं एल्वियोलाई। और हर एक मेमोरी लोब में ये दो प्रेजेंट होता है। ओके, तो हर एक मेमोरी ग्लैंड में कितने एल्वियोलाई प्रेजेंट हो जाएंगे, आपके मेमोरी लोब है 15, 20 मान के चलते हैं, 20 × 2 = 40। तो हर एक मेमोरी लोब मेमोरी ग्लैंड में 40 आपके एल्वियोलाई प्रेजेंट होंगे। अब इस एल्वियोलाई से कुछ डक्ट निकलता है, स्मॉल। ओके, इसे हम कहते हैं मेमोरी ट्यूब्यूल। इसे हम कहते हैं मेमोरी ट्यूब्यूल। ओके, ये मेमोरी ट्यूब्यूल आगे जाके एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं और एक डक्ट बनाते हैं जिसे हम कहते हैं मेमोरी डक्ट। ये मेमोरी डक्ट आगे जाके एक स्वेलन पार्ट में कन्वर्ट होता है जिसे हम कहते हैं एम्प्यूला। यहाँ मिल्क प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो जाता है और उसके बाद यहाँ से रिलीज होता है, देन कुछ टाइम के लिए टेम्पररीली वो एम्प्यूला में जाकर स्टोर होता है। देन एम्प्यूला से एक डक्ट निकलता है जिसे हम कहते हैं फाइनली लैक्टिफेरस डक्ट। एंड देन ये मिल्क फिर निपल के थ्रू रिलीज इजेक्ट कर दिया जाता है। तो अगर हम बात करें कि पाथवे ऑफ मिल्क, तो पाथवे ऑफ मिल्क क्या हो जाएगा, एल्वियोलाई। एल्वियोलाई में आपके मिल्क का प्रोडक्शन हो रहा है, देन ये यहाँ से आएगा मेमोरी ट्यूब्यूल में, देन मेमोरी डक्ट, देन एम्प्यूलाई यहाँ पर स्टोर होगा टेम्पोररीली। ओके, देन लैक्टिफेरस ट्यूब्यूल, एंड लैक्टिफेरस ट्यूब्यूल के बाद वो निपल से रिलीज कर दिया जाएगा। तो आई होप कि आपको ये टॉपिक बिल्कुल भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।